फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सभी फ्रेंड्स। आज बात करेंगे हम रिमेनिंग क्वेश्चन की, और इसके पहले हमने बात किया था क्वेश्चन आपकी एक्सरसाइज 7.3 की। 7.3 में हमने सारे क्वेश्चन सॉल्व कराए, 11 हमने 11 क्वेश्चन तक सॉल्व कराया है। आज बात करेंगे हम उसके आगे क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 12। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की, तो चलिए शुरू करते हैं। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐसे ही सारे क्वेश्चन के सलूशन आपको यहाँ मिलते रहेंगे। तो अपडेट के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर भी कर दीजिए। तो चलिए आइए अपने स्क्रीन की तरफ चलते हैं। और यहाँ पे हम देखेंगे इसका सलूशन। क्वेश्चन आपका क्या है, क्वेश्चन है इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर एक्स अपान 1 प्लस कॉस एक्स डीएक्स। तो इसका इंटीग्रेशन हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, चलिए बताइए कोई। तो इसका इंटीग्रेशन हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो जहां पे देखिए फिर से हम वही बात पे आते हैं कि सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए। इस तरह के क्वेश्चन का सोल्यूशन हमें फाइंड करने के लिए हमें सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूलों का क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। तो यहाँ पे हम देखते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूले हमने बहुत सारे बताए हुए हैं। तो प्रीवियस लेक्चर्स में सबसे पहले हमने इंट्रोडक्शन क्लास स्टार्ट करी थी, तो वहाँ पे हमने बताया था सारे फार्मूले ट्रिग्नोमेट्रिक के, और आप वहाँ पे जाके सारे फार्मूले को रिवाइज कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे आइए, यहाँ पे आपका क्वेश्चन है इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर एक्स अपान 1 प्लस कॉस एक्स डीएक्स। अब यहाँ पे देखिए, जैसे हमने बताया था साइन एक्स की अगर हम बात करें, साइन टू एक्स होता है आपका 2 साइन एक्स और कॉस एक्स, 2 साइन एक्स कॉस एक्स होता है। अगर साइन एक्स की बात करते हैं तो साइन एक्स होता है 2 साइन एक्स बाय 2 और कॉस एक्स बाय 2 होता है। ये आपको ध्यान में आपको पता होना चाहिए। अब यहाँ पे आते हैं, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन और ये हो जाएगा साइन एक्स का होल स्क्वायर, लिख सकते हैं इसको अपॉन ये 1 प्लस कॉस एक्स हो जाएगा। ओके, ये यहाँ तक बात समझ में आई होगी, समझ में आई। अब आगे चलते हैं, आगे हम क्या करेंगे इसमें, तो यहाँ देखिए आई इक्वल टू हो जाएगी इंटीग्रेशन, यहाँ पे साइन एक्स की वैल्यू ये वाली हम पुट कर देंगे यहाँ पे, यहाँ पे इंटीग्रेट हो जाएगा 2 साइन एक्स बाई 2 और कॉस एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर। ओके, 2 साइन एक्स बाई 2 और कॉस एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर अपान, और कॉस एक्स का क्या होता है भाई, कॉस एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस एक्स का जैसे हमने यहाँ बताया कॉस 2x, जैसे अगर हम फार्मूला दूसरी फार्मूले की बात करें कॉस 2x इक्वल टू होता है 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1 होता है। अगर कॉस एक्स की बात करें तो ये 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1। ओके, अब अगर हम यहाँ पे ये वाला फार्मूला पुट कर दें, यहाँ पे देखें नीचे हम पुट करेंगे 1 प्लस का, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1, माइनस 1 हो जाएगा माइनस 1 से, और ये प्लस 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ से आई इक्वल टू हो जाएगा आपका, यहाँ से हो जाएगा 4 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 अपान में हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 और ये हो जाएगा dx। यहाँ तक सभी की बात समझ में आई भाई, बात समझ में आई हो तो लाइक करते रहिए। चलिए हम थोड़ा यहाँ पे इराइज कर देते हैं और आते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। नेक्स्ट स्टेप आपका क्या रहेगा, अब यहाँ पे देखिए 2 से 2 ये 2 जब 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, अब यहाँ पे आइए i इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा, एक मिनट, यहाँ पे हो जाएगा i इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 यहाँ पे हो जाएगा एक्स बाई 2, यहाँ पे ध्यान दीजिए 2 यहाँ पे कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, तो ये और एक चीज और कैंसिल आउट हो रही है, कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 और कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। अब क्या, अब हमें सिर्फ यहाँ पे आ जाएगा 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 डीएक्स, आई इक्वल टू हो गया आपका इंटीग्रेशन 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 और डीएक्स आ जाएगा। तो अब इसमें हम क्या करेंगे, कोई बता सकता है इसमें हम क्या करेंगे। अब वहीं से जैसे हम फार्मूला भी हमने तुमको बताया था कि यहाँ पे जैसे हम करते हैं, जैसे कि यहाँ पे कॉस एक्स का फार्मूला क्या होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, तो यहाँ से हम निकालेंगे अगर 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 की वैल्यू निकालेंगे 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2,
तो यह 1 माइनस कास एक्स हो जाएगा, 1 माइनस कास एक्स हो जाएगा। तो क्या करना भाई, यहाँ पे पुट कर दो इसकी वैल्यू, तो हो जाएगा क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस कास एक्स, 1 माइनस कास एक्स हो जाएगा, और ये आपका हो जाएगा डी एक्स, आई इक्वल टू हो गया। ओके, अब क्या करना है, इसको सिंपली इंटीग्रेट करना है, तो हो जाएगा आई इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 डी एक्स और माइनस इंटीग्रेशन कॉस एक्स डी एक्स, इंटीग्रेशन कॉस एक्स डी एक्स हो जाएगा, और यहां से हो जाएगा इसकी वैल्यू एक्स माइनस, और कॉस एक्स का हो जाएगा साइन एक्स, और आप लोग आगे बताइए क्या होगा, आगे हो जाएगा आपका कांस्टेंट सी ऐड हो जाएगा, तो ये आपका क्या हो जाएगा फाइनल आंसर। समझ में आया सभी को? चलिए भाई, चलिए आप नोट डाउन कर लीजिए, इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 13 रहेगा, और यहाँ पर तक अगर ना समझ में आया तो आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं। चलिए, तो चलिए फ्रेंड्स, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 13, और क्वेश्चन नंबर 13 है इंटीग्रेशन cos 2x माइनस cos 2 अल्फा अपॉन cos x माइनस cos अल्फा और dx। अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, चलिए हम आइए देखिए, तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें सबसे पहले आपको फार्मूला पता होना चाहिए। फार्मूला हम इधर लिख देते हैं, और ये इधर होता है जैसे cos c माइनस cos d क्या होता है, cos c माइनस cos d फार्मूले की बात करते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 cos, यहाँ पर हो जाएगा 2 sin c प्लस d बाई 2, ये फार्मूला आपका होता है 2 sin c प्लस d बाई 2 इंटू sin d माइनस c बाई 2। लेकिन अगर हम इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई कर लें, तो ये हो जाएगा यहाँ पे आप देखिए 2 sin c प्लस d बाई 2 कर लेते हैं, और यहाँ से हम साइन और यहाँ पे माइनस कॉमन लेते हैं, तो माइनस का सी माइनस डी बाई टू हो जाएगा। यहाँ से वैल्यू निकाल लेते हैं, हम ये माइनस साइन माइनस थीटा क्या होगा, यहाँ माइनस ये साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस का साइन थीटा होता है, तो 2 साइन सी प्लस डी बाई टू हो जाएगा, और ये साइन साइन सी माइनस डी बाई टू हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आया सभी को? अब इसी की वैल्यू में यहाँ पे हम cos c माइनस cos d का फार्मूला यूज कर देंगे, ये फार्मूला आपका यहाँ पे यूज होगा। तो अब फार्मूला जैसे हम यहाँ पे यूज करते हैं, तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन cos c माइनस cos d क्या हो जाएगा, cos c माइनस cos d, यहाँ पे क्या हो जाएगा फार्मूला, ये आपका हो जाएगा फार्मूला हो जाएगा, यहाँ पे पुट करेंगे हम यहाँ पे, तो माइनस का टू ये हो जाएगा साइन c प्लस डी बाई टू, टू एक्स प्लस टू अल्फा बाई टू हो जाएगा आपका, टू एक्स प्लस टू अल्फा बाई टू हो जाएगा, और ये हो जाएगा साइन d माइनस साइन सी माइनस डी बाई टू, सी क्या है 2x माइनस 2 अल्फा हो जाएगा, और ये अपान में 2 हो जाएगा और डी एक्स हो जाएगा। अपान में देखिए, अपान में क्या करेंगे, अपान में वैल्यू आ जाएगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी कास माइनस का 2 कास एक्स माइनस एक्स प्लस अल्फा, एक्स प्लस अल्फा बाई टू, और यहाँ से और ये हो जाएगा 2 साइन एक्स प्लस अल्फा बाई टू, और हो जाएगा साइन एक्स माइनस अल्फा बाई टू। यहां तक समझ में आया सभी को? ये आपका हो गया, हमने फार्मूला यहाँ पे हमने cos c माइनस cos d का फार्मूला लगा दिया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम क्या करेंगे, अब यहां पे देखिए इसको सॉल्व करेंगे, माइनस टू से माइनस टू कैंसिल हो जाएगा, आई इक्वल टू हो जाएगा आपका इंटीग्रेशन हो जाएगा साइन, और ये 2 को हम कॉमन करेंगे तो ये x प्लस अल्फा आ जाएगा, और यहाँ से आ जाएगा साइन x माइनस अल्फा, अपान में क्या आ जाएगा, अपान में देखिए ये अपान में इसकी वैल्यू हो जाएगी साइन x प्लस अल्फा बाई टू, एक्स प्लस अल्फा बाई टू हो जाएगा, ये साइन x माइनस अल्फा बाई टू हो जाएगा। ओके, और ये आपका हो जाएगा डी एक्स। समझ में आ रहा है सभी को? चलिए अब बताइए अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम इसको इरेज कर देते हैं। चलिए, और यहाँ पे आपको अभी इसमें करीब 24 क्वेश्चन है, अभी क्वेश्चन नंबर 13 पे चल रहे हैं। अब यहाँ पे अगर देखें, यहाँ से इसकी वैल्यू यहाँ पे हम निकालेंगे, आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई इक्वल टू हो जाएगा आपका, अब यहाँ से फिर से अगर हम साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा क्या होता है, 2 साइन थीटा बाई 2 कास थीटा बाई 2, यहाँ पे इसकी वैल्यू हम अगर साइन एक्स की निकालें, तो यहाँ से आई इक्वल टू हो जाएगा 2 साइन एक्स प्लस अल्फा बाई 2, और ये हो जाएगा साइन पहले कास
एक्स प्लस अल्फा वाई टू हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा। और यहां से अगर इसकी वैल्यू रखेंगे तो ये हो जाएगा टू टू साइन एक्स माइनस अल्फा वाई टू और इंटू में कास एक्स माइनस अल्फा वाई टू, कास एक्स माइनस अल्फा वाई टू। अपान में क्या हो जाएगा, यहाँ पे डी एक्स है, यहाँ पे हम डी एक्स लिख देते हैं डी एक्स, और ये हो जाएगा आपका साइन एक्स प्लस एक्स वाई टू, साइन एक्स प्लस अल्फा वाई टू, और ये हो जाएगा साइन एक्स माइनस अल्फा वाई टू, एक्स माइनस अल्फा वाई टू हो जाएगा। अब क्या करेंगे, अब आई इक्वल टू यहाँ पे देखिए साइन एक्स प्लस अल्फा वाई टू, साइन एक्स प्लस अल्फा वाई टू क्या हो जाएगा, ये तो यहाँ से उड़ जाएगा, क्या होगा उड़ जाएगा, कट जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, साइन एक्स माइनस अल्फा वाई टू, साइन एक्स माइनस अल्फा वाई टू कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आई इक्वल टू हो जाएगा। अब भैया क्या इन्होंने ये तो चला गया यहाँ पे एक्स प्लस अल्फा वाई टू, साइन एक्स प्लस अल्फा वाई टू, साइन एक्स माइनस अल्फा वाई टू, तो यहाँ चला गया, क्या छोड़ गया टू टू जा फोर, फोर का फोर हो जाएगा यहाँ पे, अब क्या छोड़ गया ये फोर हो जाएगा यहाँ पे, और ये हो जाएगा कास एक्स प्लस, कास एक्स प्लस अल्फा वाई टू छोड़ दिया, और क्या छोड़ दिया, कास एक्स माइनस अल्फा वाई टू को यहीं छोड़ दिया भाई। आगे क्या होगा, आगे तो नीचे कुछ कुछ बचा ही नहीं, नीचे तो सारे डिनोमिनेटर के सारे टर्म तो कैंसिल आउट हो चुके हैं, तो अब क्या करेंगे, तो डी एक्स हो जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगी इसकी वैल्यू आ जाएगी, इसको हम करेंगे अगर फोर को बाहर टू को बाहर लेते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं टू कास एक्स प्लस अल्फा वाई टू और कास एक्स माइनस अल्फा वाई टू, ये हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा डी एक्स। तो यहाँ से आप देखिए काफ़ी सिंपल तरीके से हम इसको हम सॉल्व करेंगे। अब यहाँ से इसकी अगर इसमें इरेज करके यहाँ पे हम आते हैं, यहाँ पे बात कर लेते हैं, बात करेंगे इसकी हमने आगे स्टेप की, और यहाँ पे जैसे हम इसमें फार्मूला कौन सा यूज करेंगे, हम फार्मूला यूज करेंगे टू कास ए कास बी का। टू कास ए कास बी क्या होता है, यहाँ से फार्मूला आपका बन रहा है टू कास ए कास बी, तो कास टू कास ए कास बी का अगर फार्मूला नहीं पता है तो हम लिख देते हैं टू कास ए कास बी, ये फार्मूला होता है आपका कास ए प्लस बी प्लस कास ए माइनस, कास ए प्लस बी प्लस कास ए माइनस बी, ये आपका फार्मूला हो जाएगा। फार्मूले भाई आप लोग याद रखिए, मजा तभी है, बिल्कुल मजा तभी है, साल क्वेश्चन आप तभी आसानी से साल कर पाएंगे। अब आगे बढ़ते हैं, आगे अब यहाँ से देखते हैं, ये स्टेप हम यहाँ देखते हैं, टू बाहर हो जाएगा, इसको भी रेज कर देते हैं, यहाँ से ऊपर से लिखते हैं आई इक्वल टू, आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये है टू, टू तो बाहर हो जाएगा, टू बाहर हो गया यहाँ से, टू बाहर हो गया इंटीग्रेशन से, और ये हो जाएगा अब यहाँ से फार्मूला यूज करिए कास ए प्लस बी, टू कास ए पास कास ए प्लस बी, तो ये हो जाएगा एक्स प्लस अल्फा बाई टू और प्लस एक्स माइनस अल्फा बाई टू, तो कास ए प्लस बी प्लस कास ए माइनस बी। अब इसको हम करेंगे तो प्लस कास ए माइनस बी, ए क्या है एक्स प्लस अल्फा बाई टू और माइनस ये हो जाएगा एक्स माइनस अल्फा बाई टू, और यहाँ पे ये हो जाएगा टोटल डी एक्स। समझ में आया सभी को, अब क्या करेंगे, अब इसमें हमें सिंपल इसको हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो आई इक्वल टू हो जाएगा, ये नेक्स्ट स्टेप आपका क्या हो जाएगा, नेक्स्ट स्टेप यहाँ पे हो जाएगा टू और ये आपका इंटीग्रेशन, और यहाँ पे देखिए यहाँ पे इसको हम सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा आपका एक्स प्लस अल्फा और प्लस एक्स माइनस अल्फा बाई टू, और यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस कास, ये प्लस कास एक्स प्लस अल्फा बाई टू, और यहाँ पे देखिए माइनस, इसको हम एलसीएम ले लेते हैं, यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे हम, तो ये जब एक्स माइनस अल्फा माइनस एक्स माइनस अल्फा हो जाएगा, और ये आपका टू हो जाएगा, और ये डी एक्स हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप ध्यान से अगर देखें तो ये अल्फा और अल्फा कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ से आई इक्वल टू हो जाएगा टू इंटीग्रेशन कॉस, इंटीग्रेशन कॉस ये हो जाएगा टू एक्स बाई टू, टू एक्स बाई टू प्लस, और यहाँ से देखिए अगर हम इसमें और सॉल्व कर लेते हैं एक्स प्लस अल्फा माइनस ब्रैकेट को ओपन करते हैं तो माइनस एक्स हो जाएगा प्लस अल्फा हो जाएगा अपान में टू हो जाएगा, यहाँ से देखिए एक्स और एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा और ये हो जाएगा डी एक्स, टोटल यहाँ पर डी एक्स हो जाएगा। समझ में आ रहा है सभी को भाई, वीडियो को अपना लाइक और शेयर करते रहिए, और यहाँ पे सारे आपको सोल्यूशन मिलते रहे। चलिए अब यहाँ पे आइए, नेक्स्ट स्टेप है आपका टू इंटीग्रेशन, ये टू से टू कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा कास एक्स, ओके प्लस, और यहाँ पे कास टू अल्फा, अल्फा अल्फा टू अल्फा, टू अल्फा
सेम कैंसिल आउट करें तो ये हो जाएगा कास अल्फा, कास अल्फा हो जाएगा और इंटी यहाँ पे हो जाएगा डी एक्स, ये हो जाएगा डी एक्स। यहाँ देखिए आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, टू आई इक्वल टू टू इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन कास एक्स, इंटीग्रेशन कास एक्स हो जाएगा प्लस इंटीग्रेशन और यहाँ पे एक मिनट, यहाँ पे हो जाएगा कास एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन कास अल्फा और डी एक्स हो जाएगा। अब यहाँ से इसकी वैल्यू हो जाएगी टू और यहाँ से देखिए कास एक्स का होता है साइन एक्स, इंटीग्रेशन कास एक्स डी एक्स का होता है साइन एक्स प्लस कास अल्फा, तो हम बाहर हो जाएगा क्योंकि ये कांस्टेंट है और एक्स का ये इंटीग्रेशन डी एक्स हो जाएगा एक्स, और प्लस कांस्टेंट सी को ऐड करना नहीं भूलना, ये चीज़ तुम्हें ध्यान ही रखना है कि यहाँ से अगर हम फाइनल इसका रिजल्ट निकले या आंसर लिखे तो ये हो जाएगा आपका टू साइन एक्स प्लस एक्स कास अल्फा, कास अल्फा यहाँ पर कास अल्फा है और ये प्लस में कांस्टेंट सी ऐड हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका फाइनल आंसर यहाँ पे हो जाएगा। समझ में आ रहा है सभी को? चलिए भाई नोट डाउन कर लीजिए और फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए तो चलिए आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 14। तो सभी लोग तैयार हैं करने के लिए, आ जाइए हमारे साथ क्वेश्चन को करेंगे धमाके से। अब यहाँ पे देखिए आपका क्वेश्चन है आपका कास इंटीग्रेशन कास एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन वन प्लस साइन टू एक्स डी एक्स, क्वेश्चन नंबर आपका एक्सरसाइज 7.3 का क्वेश्चन नंबर 14 है और इसको देखिए कैसे सॉल्व करना है। तो ये क्वेश्चन यहाँ पे पहले अगर आप देखें तो यहाँ पे इसको हम थोड़ा और सिंपली सिंपल तरीके से लिख लें, यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा कास और यहाँ पे कास एक्स माइनस साइन एक्स और ये आइडेंटिटी होती है कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स और ये साइन टू एक्स का मगर फार्मूला लिखें तो टू साइन एक्स और ये कास एक्स हो जाएगा ओके, और यहाँ पे डी एक्स। अब यहाँ पे देखिए ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला बन जाएगा तो हो जाएगा कास एक्स माइनस साइन एक्स अपान में इसको लिख देते साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर का फार्मूला बन गया, ये हो जाएगा डी एक्स ओके। अब यहाँ पे अगर हम देखें अब यहाँ से हम इसको लेट करते हैं, लेट साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को हम टी पुट करते हैं तो हो जाएगा साइन एक्स का हो जाएगा कॉस एक्स और कॉस एक्स का हो जाएगा माइनस साइन एक्स, डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा डी टी डी टी हो जाएगा, आई इक्वल टू क्या हो गया आई इक्वल टू ये तो ऊपर वाला टर्म लिखता क्या हो गया ये यहाँ पे दे दी ये वाला टर्म ये इसके इक्वल हो गया तो कॉस एक्स माइनस साइन एक्स डी इक्वल टू डी टी तो जाएगा ऊपर तो डी टी आ जाएगा अपान में क्या हो जाएगा ये हो जाएगा टी स्क्वायर। यहाँ पे अब आ जाते हैं यहाँ पे चलिए यहाँ पे उड़ के आ जाते हैं और यहाँ पे आई इक्वल टू क्या हो जाएगा आई इक्वल टू हो जाएगा टी पावर माइनस टू डी टी आई इक्वल टू क्या हो जाएगा फार्मूला एक्स पावर एन का फार्मूला लगाए तो टी पावर माइनस टू प्लस वन अपान माइनस टू प्लस वन प्लस इंटीग्रेशन करते समय हमें ध्यान रखना है कांस्टेंट सी ऐड करना है और कांस्टेंट सी हमने ऐड कर दिया तो हो जाएगा टी पावर माइनस वन अपान यहाँ हो जाएगा माइनस माइनस वन प्लस कांस्टेंट सी तो आई इक्वल टू क्या हो गया माइनस का वन अपान टी प्लस सी हो जाएगा तो आई की वैल्यू क्या हो गई माइनस का वन अपान टी क्या है टी यहाँ पे फाइंड यहाँ करिए कहाँ पे हमने यहाँ पे साइन एक्स प्लस कॉस एक्स तो चलिए यहाँ पे हम लिख देते हैं साइन एक्स प्लस कॉस एक्स ये हो जाएगा आपका प्लस कांस्टेंट सी और ये रहा आपका फाइनल आंसर ओके ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो चलिए इसको आप लोग नोट डाउन करना चाहते हो नोट डाउन कर लीजिए फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे और फार्मूले ध्यान रखिए सारे आपके काफी सिंपल क्वेश्चन है और ये ऐसे आप कर सकते हैं चलिए नोट डाउन कर लीजिए। तो फ्रेंड्स फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है और यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 15 को, क्वेश्चन नंबर 15 ये आपका क्वेश्चन नंबर 15 है और यहाँ पे देखिए ये आपका इंटीग्रेशन टैन की ओ 2x और सेक का 2x ये आपका क्वेश्चन है। तो अगर हम इसको हम और देखिए यहाँ पे इसको हमें इंडिकेट करना है सबसे पहले इसको हम लिख सकते हैं टैन स्क्वायर 2x और टैन 2x
ये हम लिख लेंगे, और यहाँ पे हो जाएगा sec 2x dx, ये हो जाएगा। I इक्वल टू क्या हो जाएगा, अगर हम फार्मूले की बात करेंगे तो यहाँ पे एक फार्मूला होता है sec स्क्वायर x इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर x, मतलब sec स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है। यहाँ से अगर इसके हम tan स्क्वायर 2x का x को हम 2x से रिप्लेस करेंगे तो हो जाएगा sec स्क्वायर 2x इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर 2x हो जाएगा, और यहाँ से tan स्क्वायर 2x की वैल्यू हम निकालें तो हो जाएगा sec स्क्वायर 2x माइनस 1, sec स्क्वायर 2x माइनस 1 हो जाएगा, और यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो हो जाएगा sec स्क्वायर 2x माइनस 1, और ये हो जाएगा tan 2x और sec 2x हो जाएगा, तो ये हो जाएगा dx। समझ में आया? अब देखिए इसमें हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई में करना है तो tan यहाँ पे sec स्क्वायर 2x और tan 2x और sec 2x, sec 2x माइनस, चलिए यहाँ पे dx हो गया माइनस, अब यहाँ पे tan 2x sec 2x, tan 2x और sec 2x हो जाएगा, ये आपका हुआ dx। अब इसमें क्या करना है, इसमें हम अगर लेट कर दें, लेट करेंगे sec 2x को, sec 2x को हम लेट करते हैं t, अब sec x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, sec x का होता है sec sec x tan x, sec 2x tan 2x, 2x का क्या होता है 2 इंटू 2 करेंगे तो हम 2 को यहाँ पे ले जाए और डी एस इक्वल टू डी टी हो जाएगा। ओके अब यहाँ पे देखिए हमें सिर्फ वैल्यू निकालनी है sec 2x और tan 2x, डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा डी टी बाई 2, ये डी टी बाई 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे इसको हम थोड़ा इरेज कर देते हैं और यहाँ पे आते हैं फिर, चलिए यहाँ से स्टेप हम यहाँ पे करते हैं तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा, I इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे देखिए sec 2x और tan 2x dx, sec 2x tan 2x dx तो dt by 2, यहाँ पे इसको तो हमने माना t, तो dt स्क्वायर हो जाएगा और ये t स्क्वायर हो गया और ये हो जाएगा dt by 2, dt by 2 माइनस का क्या हो जाएगा, माइनस का tan 2x sec 2x dx, तो ये तो dt by 2 है, dt by 2 रख देते हैं तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 1 बाई 2 तो बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन t स्क्वायर dt हो गया माइनस 1 बाई 2 और इंटीग्रेशन dt, यहाँ से I इक्वल टू हो जाएगा 1 बाई 2 और ये हो जाएगा t पावर 3 बाई 3 और माइनस का 1 बाई 2 dt करेंगे t और प्लस कांस्टेंट c ऐड हो जाएगा। अब यहाँ पे इसकी हम वैल्यू हम लिख देते हैं फाइनल में, यहाँ पे देखिए I इक्वल टू क्या हो जाएगा, I इक्वल टू हो जाएगा t पावर 3 बाई 6 और माइनस का t बाई 2 प्लस सी, टी की वैल्यू पुट कर दीजिए, t की वैल्यू अगर पुट करेंगे तो t क्या हमने माना है sec 2x, तो sec 2x का होल पावर 3 अपान 6 माइनस का t, तो sec 2x अपान 2 हो जाएगा प्लस प्लस कांस्टेंट सी हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। तो समझ में आया सभी को, चलिए क्वेश्चन नंबर ये आपका था 15। अब इसको आप लोग चाहे तो नोट डाउन कर लीजिए और फिर चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, तो चलिए नोट डाउन कर लीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 16। अब क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है, ये कहता है भाई क्वेश्चन नंबर 16 कहता है फाइंड आउट इंटीग्रेशन साइन टाइम पावर एक्स डी एक्स, तो यहां से अगर हम इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या करेंगे, ये इसको हम क्या लिख सकते हैं टैन स्क्वायर एक्स इंटू टैन स्क्वायर एक्स, क्योंकि हमें टैन स्क्वायर एक्स पता है तो उसी हिसाब से हम इसको ब्रेक कर लेंगे, तो टैन स्क्वायर का एक्स क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन और यहाँ पर टैन स्क्वायर एक्स हो जाएगा और ये हो जाएगा डी एक्स, तो आई इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं इसको, यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा sec स्क्वायर x और ये हो जाएगा tan स्क्वायर x और माइनस माइनस का tan स्क्वायर x और ये हो जाएगा आपका dx। ओके अब क्या करेंगे, अब यहाँ पे देखिए I इक्वल टू यहाँ पे देखिए और एक बार हम इसको sec स्क्वायर x और ये हो जाएगा tan स्क्वायर x और dx माइनस, अब इंटीग्रेशन tan स्क्वायर x tan स्क्वायर एक्स डी एक्स हो जाएगा। अब देखिए यहाँ तो चलिए अब नेक्स्ट स्टेप आपका यहाँ पे क्या होगा, आई इक्वल टू ये हो जाएगा इंटीग्रेशन और ये sec स्क्वायर
sec स्क्वायर x और tan स्क्वायर x dx, ये हो जाएगा माइनस, यहाँ पे फार्मूला हम अप्लाई करेंगे sec स्क्वायर माइनस x, sec स्क्वायर x माइनस वन और dx हो जाएगा। तो i इक्वल टू क्या हो गया, इंटीग्रेशन sec स्क्वायर x tan स्क्वायर x dx माइनस, ये हो जाएगा sec स्क्वायर x dx और माइनस, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इंटीग्रेशन वन dx। तो यहाँ तक समझ में आया। अब यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे चले जाते हैं, ये रास्ता है आपका, आपको यहाँ तक आने का। तो यहाँ से आइए आप यहाँ पे i इक्वल टू, अब इसमें आपको क्या करना है, tan स्क्वायर x dx माइनस इंटीग्रेशन sec स्क्वायर x dx और माइनस, यहाँ पे माइनस है प्लस, और ये हो जाएगा dx, dx हो जाएगा। अब लेट करेंगे हम tan x को, tan x अगर हम लेट करते हैं tan इक्वल टू t, तो sec स्क्वायर x और dx इक्वल टू हो जाएगा dt, sec स्क्वायर x dx इक्वल टू हो जाएगा dt। अब यहाँ पर वैल्यू पुट करें तो i इक्वल टू क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन sec स्क्वायर x dx इक्वल टू हो जाएगा dt, और यहाँ पे हो जाएगा आपका ये t स्क्वायर और ये dt हो जाएगा माइनस, और ये हो जाएगा dt और प्लस, प्लस में आपका आ जाएगा यहाँ पे dx। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका x आ जाएगा, इसका इंटीग्रेशन है प्लस cos स्क्वायर c आ जाएगा। तो i इक्वल टू क्या हो जाएगा, t की पावर 3 बाय 3, t की पावर 3 बाय 3 और माइनस का t प्लस x प्लस c। अब t की वैल्यू पुट कर देंगे, t क्या है, t आपका है tan x, तो tan की पावर 3x अपान 3 और माइनस t इक्वल टू क्या, tan x, tan x प्लस x प्लस c, प्लस कांस्टेंट c हो जाएगा, और ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ओके ये आपका क्या हो गया, फाइनल आंसर हो जाएगा। ओके अब आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब आज के लेक्चर में हम बस यही तक सीमित रखते हैं, और आने वाले लेक्चर्स में हम इसके जो रिमेनिंग क्वेश्चन है वो सारे सॉल्व कराएंगे। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तक के लिए धन्यवाद।